जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों जब ये भाईजान इस रोड रोलर को लेकर रेल पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पर रेल आने का टाइम हो चुका था। इतना ही नहीं बल्कि आप रेल आने का आवाज भी सुन पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, जब इस बड़े से रोड रोलर से जब ट्रेन टकरा गई तो वहां पर ट्रेन की वाट लग गई या फिर इस रोड रोलर की वाट लग गई, उसे देखने के लिए वीडियो करके तक बने रहना। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि शायद ये भाईजान जब अपनी गाड़ी लेकर इस रोड से निकल रहे थे, तभी वहां पर इनकी गाड़ी इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा रोड पर बने हुए डिवाइडर से टकरा गई। और वो टक्कर इतना खतरनाक था कि देखने से चड्डी में सुसु होना तो आम बात है, क्योंकि आप यहाँ पर इस ट्रक के हाल को देख पा रहे होंगे। जब ये टक्कर हुआ तो जो ड्राइवर भाई साहब बैठते हैं, जो ड्राइवर का कैबिन होता है, उसकी पूरी तरह से वाट लग चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस बंदे से मिलिए जो एक्सीडेंट हुई गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है। आप इस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों हाईवे पर जा रहे इस भाईजान से मिलिए। लगता है कि इन भाईजान को बिल्कुल भी खबर नहीं था कि आगे जाकर इनके साथ क्या होने वाला था। जी हाँ, जैसे ये बंदा अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इसके गाड़ी के अंदर अचानक ब्लास्ट हो गया। और वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि अगर वहाँ पर कोई दूसरा बंदा होता तो वो डर के मारे उसको हार्ट अटैक आकर वो अपनी गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल खो देता, जिसके बाद हाईवे पर एक बहुत ही खतरनाक हादसा देखने मिलता। लेकिन इस बंदे के पास लगता है कि आम इंसान से भी ज्यादा बड़ा हार्ट था, जिसके कारण इसके हार्ट ने इसके साथ नहीं छोड़ा और इसने गाड़ी का साथ नहीं छोड़ा और रास्ते पर होने वाले एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को इस बंदे ने होने से टाल दिया। दोस्तों सड़क पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में आपको साफ साफ क्लियरली दिख पा रहा होगा कि एक बोलेरो वाला अपनी गाड़ी को रोड पर मोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने अपना सारा दिमाग लगाकर बहुत ही होशियारी से अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे वो बंदा अपनी गाड़ी को मोड़ रहा था, तभी वहाँ पर उसके सामने एक कार आ गई, जिसने इस गाड़ी को जाने के लिए रास्ता देने के वास्ते वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक दी। लेकिन इस कार वाले के पीछे एक और बाइक वाला था, जिसको सामने मोड़ काट रहे बोलेरो दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण ये बंदा सीधा जाकर मोड़ काट रहे बोलेरो से टक्कर मार देता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र है कि कोई भी बड़ा हादसा देखने नहीं मिला, क्योंकि टाइम, वक्त, भगवान, अल्लाह, यीशु सभी लोग इसके साथ है, जिसके कारण आज इस बंदे की जान बच गई। दोस्तों इंसानियत एक ऐसी चीज है जो आजकल इस कलयुग में कुछ कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आप यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में क्लियरली देख पा रहे होंगे, जब इस रोड पर जा रहे ट्रक से कार का हादसा हुआ तो इस बंदे के पास इतनी भी अकल नहीं था, दिमाग नहीं था या फिर इंसानियत ही नहीं बची थी, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी को रोककर जांच पड़ताल कर पाता। इस बंदे के पास जो चीज़ होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण रोड पर एक बहुत दर्दनाक हादसा देखने मिला। चलिए दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने ऐसी घटना होते हुए आपको दिखाई पड़े तो आप इन जैसे बंदों के साथ क्या करोगे? क्या आप इसे रोककर चप्पल से मारोगे या फिर डंडे से मारोगे या फिर इसके पिछवाड़े में एक ऐसा सरिया घुसाएंगे कि उसको घुसाने के बाद वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाए और ये बंदा कभी भी ड्राइवर सीट पर बैठकर और किसी के गांड मारने के लायक ना बचे? इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करना।